6 अगस्त रविवार को महाराष्ट्र से राज्यसभा सदस्य और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष इमरान प्रताप गढ़ी का जन्मदिन नागपुर शहर कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग ने अपने अध्यक्ष वसीम खान के नेतृत्व में शासकीय बहुअपंग समीक्षा केंद्र सदर पश्चिम नागपुर में दिव्यांग बच्चों के साथ मनाया। कार्यक्रम में पहले सबसे छोटे दिव्यांग बच्चे के हाथों से केक कटवाया गया और सभी बच्चों को समोसा, मिठाई, फल व केक वितरण किए गए। इस मौके पर वसीम खान ने कहा कि उन्हें दिव्यांग न समझा जाए बल्कि ये सुपर हीरो है जो अपनी जिंदगी बड़ी बहादुरी से जीती है। इस मौके पर अल्पसंख्यक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं में राजा काका चिलाट, रमन महालक्ष्मी, गोपाल पट्टम, एडवोकेट ऋषि कोचर, ताज रहीम खान, अमन बामरा, शेख सफी, सैयद अद्दू, क्षितिज साखरे, साजिद पटेल, मुजाहिद जिशान, फिरोज, मोनू पटेल, मोहित पखाले, सरफराज अली आदि उपस्थित थे। आज 6 अगस्त महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी जी के जन्मदिन के अवसर पे हमने अपंग शाला में, जो हमारे भाई लोग हैं, यहाँ के हीरो है, इन्हें अपंग नहीं बोला जा सकता है, ये सुपर हीरो है क्योंकि ये दिन रात काम जैसे नॉर्मल आदमी पढ़ता है, पढ़ाई करता है, खेलते कूदते हैं, पढ़ाई करते हैं और अपने घर के लिए काम भी कर रहे हैं। ये सदर में नागपुर में हमने अपंग शाला में आज इमरान भाई का बर्थडे इनके साथ बनाया, केक काटा, नाश्ता बांटा इन लोगों में और बड़े ही अच्छे तरीके से इमरान भाई के लिए भी दुआ हुई और इस हिंदुस्तान में अमन शांति बने रहे, इसलिए आज हमारे साथ अमन भाई भी थे अमन शांति बनाने के लिए। और दुआ करें बच्चों ने, और एक बड़ा ही मैसेज देने का हमने एक वो करा है इसके थ्रू के इनकी भी जिंदगी है, इनकी भी दुनिया है, तुम अच्छा है तो यहाँ पार्टियाँ करते हैं, दुनिया भर में कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों को भी टाइम दो और इनके साथ भी कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।